तेरी जान ठीक है। सारे नमस्कार जी, थैंक यू जी, थैंक यू फोन करा क्या थैंक यू जाना है। और मेरी इच्छा है तो खजाना खजाना का नाम लाया और खजाना साहब ने मिलना भी है, ठीक है ना। प्रधान साहब की इच्छा है। बाकी ये कि पंचे सरपंचे दे चुनाव दे पहले बड़े हुए ना, ठीक है ना, लेकिन वो छड़े ना दे के पंचे सरपंचे, ठीक है ना, उन्हें की कोई मनदा ना होंदा, उत्थे कोई विले लेवल वर्कर जो भी ना मनदा होंदा उन्हें। लेकिन मोदी जी का जो सपना है कि ग्राउंड लेवल दे उपर लोगों की पावर देनी, उदा गए सारा प्ररूप है, ठीक है ना। उस सिलसिले विच ये बीडीसी दे चुनाव विच तुहाडे नाल इंटरैक्शन करने वास्ते साढ़े जिहड़े ने जिहड़े प्रदेश प्रधान ने वो आए दिन मुबारकबाद रविंदर हो रही कि मुबारक है कह दी मेरा पिछले 70 वरे का पाप है उस पाप की तोड़ने की मुबारक पर आज देने साडी डोगरी खवान है आधा कुछ का पैर सुलखना तो कुछ का झूठ सुलखना जदों अध्यक्ष बने तो इन्हें अदू कला आख्या महाराज हो जाना जदों अध्यक्ष बने हे तो असें जी जाने का मौका लगा जनाब कहने अज साझी करना गल तो जनाब की अस 10-12 मिनिस्टर हे तो अस बाद अंदर बैठे दे तो जनाब बैठे दे अंदर गए नहीं बुलाया कलें की तो बाहर आए बाहर आए तो आखिर जी बड़ी लड़ाई है बड़ी तैयारी है उसे तैयार हो अस कोई अस टाट ओवर टाट ओवर बोने आले आदमी दरिया बिछाने आले लोग हैं ते इहदे वास्ते ते अस जन्म नहीं है लेदा है कहिंदे कल्पना नहीं की साडे पुरखजां ने कल्पना नहीं की असीं सरकार बनानी सरकार बनाई और जिस कारण सरकार बनाई वह कारण और नतीजा तुहाडे सामने अध्यक्ष जी का श्रेय जांदा है इसलिए अध्यक्ष जी भर्ती कर चुनाव के सिलसिले तुसें खजान चंद होरें जताया थोड़ी और पहली बारी नहीं मेरे ख्याल दूई बारी पहली बारी भी जीते तो दूई बारी जीते न और समय समय पर साढ़े कन्नै संपर्क भी आ कई लोग मोर भी लाने महाराज फलाने का आदमी मगर नहीं कई लोग ये भी आखिया महाराज खजान चंद गरीब आदमी है दाने की मंजा नहीं है तो नाड़े गई सी कुछ डेट देती भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का विशेषता ही है जो त्रै स्टेट चुनाव हो गए एक रेहड़ी आले आदमी की सब्जी बेचने वाले आदमी की टिकट दीती भी है मैंबर जो लोग बैठे थे ना थोड़ा सारे का फर्ज है और खास करिए थोड़े इलाके का आदमी इस ब्लाक से चुनना तुसें ये जो 10-12 दिन बचे सारे सोना नहीं है भिंदा ही मुंडी ला दा भिंदा सहमत है सरपंच साहब ने भी साढ़े को ख्याल इसलिए सारे अगर निवेदन है बाकी सारी गल्ला अध्यक्ष जी ने करनिया अस ये प्रार्थना लेकर आए हैं भैन जी साड़िया ए बी पेनल्टी हाँ नहीं है स्पिरिट देखो शी इज पोस्ट ग्रेजुएट मैं टिकट देकर ही दे फैसले करना सारे चलना है भारतीय जनता पार्टी साढ़े चार भारतीय जनता पार्टी के साढ़े जिला अध्यक्ष प्रेम डोगरा जी साढ़े बहुत ही तेज तरार थोड़े एमएलए मंत्री राजीव जसरोटिया साहब इंद्रजीत जी और साढ़े इस ब्लाक दे साढ़े उम्मीदवार खजान चंद जी और दो बच्चों उसे सारे मेरे तरफ बहुत बहुत नमस्कार है। पहले ते राजीव जसरोटिया साहब ने बड़ी अच्छी गल दसी इस साढ़े इस खुशनसीबी है कि साढ़े देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मोदी साहब ने 70 और विशेषकर जेडे चुने दे पंच और सरपंच इन्हें की अधिकार दिते पहली बार 17 साल जम्मू कश्मीर च पंचायती राज एक्ट लागू हुआ और पहली बार बीडीसी दे चुनाव हुआ दे इहदे लई मोदी साहब की मुबारक है और अस उनका शुक्रिया अदा करने असे वो दौर भी दिखेगा जदू पंच और सरपंच बीडीओ दफ्तर होवे या बाकी दफ्तर के चक्कर लाते हैं कोई सुनाई नहीं होंगी है आखिर जी 14-14 डिपार्टमेंट का एक नलका नहीं है लाई सकता सरपंच पंच थोड़े चा दो बार त्रै बार के पंच सरपंच होने
लोकें कोला जेल्लै वोट लैने होंदे ना अस उंदे नाल वादे करने आ तुहाडी गली नाली पुली सड़क हॉस्पिटल स्कूल पानी सब ठीक कर गए, लेकिन जितन तू बाद कोई पूछदा नहीं है सरपंच पंचे की, क्योंकि उंदे कोल पावर नहीं है, उंदे कोल अधिकार नहीं है। और एक कठपुतली बनाई रखे रहा पुतला, एक खाली पुतला बनाई, मिट्टी का मौतो बनाई है कांग्रेस NCPDP दे सरकारे सरपंच पंच रखे दे, लेकिन साड़ी मोदी सर। और आज देखो पहली बार 70 साल च ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियां दे इलेक्शन हुआ कर दिन, जगह जगह कैंडिडेट खड़ोते दिन, और जिले पहले आख्या के भाई पंचायतें दे इलेक्शन करने, कांग्रेस NCPDP ने बाइकाट किया। और आज जिला BDC का पहली बार इलेक्शन हुआ है, खुशी मनानी चाहिए, फिर कांग्रेस NCPDP बाइकाट। ये सारे आतंकवादियों के एजेंडे लागू करा दे ना NC कांग्रेस वाले PDP वाले, लेकिन चली नहीं सकते। तुसे दिखिया जम्मू च तो बड़ी तादाद च लोग फार्म भरे ना, कश्मीर च भी और लद्दाख च भी एक एक ब्लॉक डेवलपमेंट सीटर 8-8, 10-10 सरपंचे पंचे फार्म भरे ना, और एक चपेट मारी जाते मुहर जेड़े बाइकाट करते हैं कांग्रेस NC वाले। ताकत मिली है सारे पंचे सरपंच रोज जाइए उसे शोर मचाते हैं, MLA का इलेक्शन कराओ, MLA का इलेक्शन कराओ। मोदी साहब ने आख्या भैया कराने हाँ, मैं आख्या पंच सरपंच किन्ने ने, असे आख्या 35-40 हजार, उन्हें आख्या पहला 35-40 हजार कराने के 87 MLA कराने, असे आख्या पहले पंच सरपंच का इलेक्शन कराओ। और आज बड़ी खुशी की मकाम है थोड़े तो ज्यादातर पंच सरपंच आए दिन साथी वास्तव वाले अगर निवेदन करने हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष च वोट करो, BJP के उम्मीदवार की कामयाब करो। थोड़े तो खजान जी जिंदे बारे च राजीव जी चर्चा करा रहे और सुना रहे कि हरियाणा च कुछ रेहड़ी वाले की टिकट मिली, भैया जड़े साढ़े प्रधानमंत्री मोदी ने चाह बेचने वाले ने, चाह बेचते बेचते ये BJP च हो नहीं सकता कि फड़ी वाला MLA बनी सकता, चाह बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनी सकता, और खजान चंद जैसा एक साधारण कार्यकर्ता साधारण ग्रां च रोने वाला व्यक्ति भी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बनी सकता, और BJP तो सकता। इस वास्ते साथियों असें सारे मिली जुलिए रोना, एक कोई काम करना, साड़ी भेन बैठी दी सलाह दे पोस्ट ग्रेजुएट इनका ना भी चर्चा छा नीलम जी अस उत्थे है, लेकिन चलो टिकट एक अद्धे बंदे देनी ही। और अज असें खुशी है ये भी इत्थे बैठी दी इत्थे सारे मौजूद सरपंच बैठे दिन सारे, अस इन्हें सारे का शुक्रिया अदा करने, पंच लोग साढ़े च बैठे दिन थोड़े तो पंच सरपंच किन्ने ना हथ खड़ा करो जरा मैं दिखा, शाबाश वेरी गुड, बड़ी तादाद तुसे साथी आए थे थोड़े इतने टोटल 12 पंचायत, और खजान जी टोटल वोट किन्ने न 100, सारे नाल तुहाडी मलाटी होई संपर्क चला रहा, अपना टीम बनाओ अपनी पूरी डिटेल बनाओ, उनका नाम लिखो केड़े केड़े बंदे नाल मलाटी हो, गरीब मजदूर किसान दुखी है। इस वास्ते ये जड़ियां PDO कोल सारियां ताकतां हियां ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कोल ये सारियां पावर चेयरमैन कोल होनियां, और जेड़ा काम PDO कर रहे एक करिए चलो, और ये तुहाड़ा असें सारियां दा भला है। मोदी सरकार चलती है गरीब गुरबे के अच्छे अच्छे काम हो, मोदी सरकार इमानदारी नाल काम करा दी है, सच्चे काम करा दी है, और गरदार चोर लुट सारे गरदार काबू हो गए, और इमानदारी नाल काम चला रहा है, और जिन्हें भी चोरियां कीती दी बची नहीं सकता कोई। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है इमानदारी की सरकार है, देशभक्त की सरकार है, गद्दारी नहीं हो सकती। इस वास्ते अस तुसे सारे अगे निवेदन करने आ कि इस ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियां दे इलेक्शन च BDC इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवारें की वोट देइए कामयाब करो, पूरी ईमानदारी नाल तुसे सारे दी सेवा करके, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। जय चुनावों को लेकर जहां पहुंचे हैं गांव तो क्या कहना चाहेंगे? पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर इस समय चुने हुए पंचीज और सरपंचीज में जबरदस्त खुशी का माहौल है, एक त्योहार और उत्सव की तरह इस समय ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के चुनाव पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी साहब का जिन्होंने 70 साल में पहली बार पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया है, वरना यहां कठपुतली की तरह सरपंचों और पंचों को कांग्रेस NC और PDP ने रखा, पहली बार सरपंचों और पंचों को पूरे अधिकार मिले, पूरी ताकतें मिली,
और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के चुनाव होंगे, बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसा पंचायती राज एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा। गांव गांव के अंदर चुने हुए चेयरमैन जो पंचायतों के होंगे और जो बीडीसी चेयरमैन होंगे और उसके साथ पंच सरपंचों के साथ मिलकर विकास करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है कि ग्रामीण स्तर तक, गांव गली मोहल्ले तक विकास की धारा को आगे बढ़ाया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सबको लेके हम चलेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में के सरपंचों और पंचों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने एमसी कांग्रेस और पीडीपी की बाइकाट की काल के बाद भी अपने नामांकन भरे और हजारों की तादाद में नामांकन भरे गए कश्मीर घाटी में, लद्दाख में और पूरे के पूरे जम्मू रीजन के अंदर। ये एमसी कांग्रेस और पीडीपी के मुंह पर तमाचा मारा है पंचों सरपंचों ने, और मोदी साहब ने जो अधिकार दिए पंचों सरपंचों को, उनका सम्मान करते हुए पंचों सरपंचों ने नामांकन भरे। हम अपील करते हैं समाज से कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाए। सशक्त उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो देश और समाज के लिए काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू कठुआ के नए टोल प्लाजा तैयार किए गए हैं, तो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर आपके ही कार्यकर्ता जो है वो इसके विरोध में है, तो क्या करना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने नियमों का उल्लंघन किया है। एक टोल प्लाजा के से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 70 किलोमीटर की होनी चाहिए। बन नगरोटा के अंदर जो टोल प्लाजा है वहां से ये जो सरोर सांबा में टोल प्लाजा लगाया गया है इसकी दूरी 45 किलोमीटर बनती है। और दूसरा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस जगह को चुना है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, एक एक घंटे का वहां जाम लग रहा है। कानून के मुताबिक अगर 3 मिनट से ऊपर कोई भी गाड़ी टोल प्लाजा के पास जामिंग के कारण खड़ी होती है उसको टोल नहीं देना पड़ता है, इसलिए ये टोल बंद होना चाहिए। हमने पत्र लिखा है माननीय जो नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब को, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को, और हमें उम्मीद है कि ये जो टोल प्लाजा सांबा में लगा है इसको उखाड़ के फेंका जाएगा। तो 71 पंचों सरपंचों को अधिकार दिए जाएंगे, तो आज क्या लगता है कि वो अधिकार दिए गए हैं? 73rd 74th अमेंडमेंट के चलते ही ये बीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और पार्टी के सिंबल पर हो रहे हैं, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होंगे। ये पंचायती राज एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। सर, बहुत सारी लोकतंत्र की बात की जाती है लेकिन बहुत सारी पार्टियां हिस्सा नहीं ले रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जो हिस्सा नहीं ले रहे वो सब पाकिस्तानी हैं और गद्दार हैं।